मेरा क्या होगा, मेरे एसेट्स का क्या होगा, मैंने जो क्रिप्टो खरीद के रखा है वजीर एक्स में उसका क्या होगा, मैंने जो पूरा पोर्टफोलियो वजीर एक्स में बना के रखा है उसका क्या होगा अगर वजीर एक्स इंडिया से भाग गया, अगर वजीर एक्स इंडिया से दुबई में शिफ्ट हो गया। तो बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है। एक्चुअली जब से क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स के रिगार्डिंग रेगुलेशंस आए हैं दोस्तों, उसके बाद बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं, और कन्फ्यूज सबसे ज़्यादा इसलिए हैं कि वजीर एक्स के जो सीईओ हैं उनके जो मूव होने की वजह से दुबई में मूव हो गए हैं, दुबई में शिफ्ट हो गए हैं, उसकी वजह से बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो वजीर एक्स है वो इंडिया से दुबई में शिफ्ट हो जाएगा, तब हमारे क्रिप्टोज का क्या होगा, तब हमारे एसेट्स का क्या होगा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी चीज के बारे में कि एक्चुअल में क्या होगा अगर वजीर एक्स दुबई में शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एरिक जेम्स और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल और एथिकल ज्ञान में। थैंक्स करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए, वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात उठती है कि लोगों के अंदर ये बात कहां से आई, लोगों को इस चीज का कैसे पता लगा कि जो वजीर एक्स है वो दुबई में शिफ्ट होने वाला है, लोगों के अंदर ये डर कहां से बैठा। तो सबसे पहली जो न्यूज है दोस्तों वो ये निकल के आती है कि वजीर एक्स सीईओ निश्चल शेट्टी को फाउंडर सिद्धार्थ मेनन शिफ्ट बेस फ्रॉम इंडिया टू दुबई। तो सबसे पहली जो डर की न्यूज है दोस्तों यहां से निकल के आती है। हालांकि वजीर एक्स ने इस चीज के रिगार्डिंग कुछ भी अनाउंस नहीं किया है कि वो दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों जो दूसरी न्यूज है वो आपके सामने है, वजीर एक्स हैज मूव टू दुबई, हु इज लाइकली टू मूव नेक्स्ट, कि वजीर एक्स दुबई में मूव कर चुका है और अगला जो दुबई में मूव होने वाला है कौन है। तो बात निकल के आती है कॉइन डी सी एक्स की, कॉइन स्विच कुबेर है, ये सब दोस्तों इन सब एक्सचेंजेस को लोग टारगेट कर रहे हैं, लोगों के अंदर हाइप बनाई जा रही है कि ये जो एक्सचेंजेस हैं इंडिया से दुबई में शिफ्ट हो रही हैं, ये इंडियन एक्सचेंजेस हैं, लेकिन 30% टैक्स देने की वजह से ये जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं दुबई में शिफ्ट हो रही हैं। इनके पीछे मात्र एक रीजन है कि इंडिया से जो 30% टैक्स के रिगार्डिंग न्यूज निकल कर आई, लेकिन लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो निश्चल शेट्टी है, जो इनके को फाउंडर हैं मैनन दोस्तों, वो दुबई में क्यों गए हैं। तो इस वीडियो में आपको इन सब चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक और न्यूज आप लोग देख सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स फाउंडर मूव टू दुबई बट इट्स बिजनेस एज यूजुअल एट इंडियन हेडक्वार्टर। तो ये जो इनके फाउंडर हैं दोस्तों, को फाउंडर हैं दोस्तों इनके जो सीईओ हैं, ये दोनों मतलब दुबई चले गए, लेकिन अभी भी जो वजीर एक्स का बिजनेस है वो ऑपरेट हो रहा है मुंबई में, इनके जो हेडक्वार्टर है वहां से ऑपरेट हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में क्रिप्टो एक्सचेंज जेपे एंड वैलेट मूव टू सिंगापुर, 2018 में जेपे भी सिंगापुर में मूव हुए थे दोस्तों, और उसके बाद अदर कंपनीज लाइक कॉइन स्विच कुबेर एंड कॉइन डीसीएक्स आर आल्सो रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। आप लोग देख सकते हैं कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन डीसीएक्स ने भी सिंगापुर में रजिस्टर किया है। उसके बाद पॉलीगन जो फाउंडेड हुआ था दोस्तों वो इंडिया में हुआ था, लेकिन अभी वो मतलब दुबई में शिफ्ट हो चुका है। तो इन चीजों के, इन तीनों चारों एक्सचेंजेस के शिफ्ट होने के बाद भी इनमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, इनके जरिए जिन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, तो उनके क्रिप्टो सेफ है। तो मैं आपको बेसिकली आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी ऐसी कोई न्यूज निकल कर नहीं आई है कि जो ये एक्सचेंज है दोस्तों वजीर एक्स एक्सचेंज है जो दुबई में शिफ्ट होगी, लेकिन अगर शिफ्ट हो भी जाती है कल की डेट में तो आपके क्रिप्टो के ऊपर कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी हम सबके लिए कि INR का डिपॉजिट बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी एक्सचेंज ऐसी नहीं है जो वजीर एक्स के अलावा INR में डिपॉजिट लेती है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें P2P की, तो P2P से ही हम लोग यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं अपने INR को, अपने USDT INR देकर हम लोग USDT बाई कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपना जो एसेट्स खरीद सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आएगी विड्रॉल की, तो विड्रॉल के रिगार्डिंग क्या सोल्यूशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैं फिर कभी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आज की डेट में हम लोग बात करते हैं कि अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि जो वजीर एक्स है वो दुबई में शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि वजीर एक्स ने खुद कहा है कि जो हमारे कंपनी है, जो हमारा वजीर एक्स का काम होता है, वो टोटली सभी एम्प्लॉयज़ के लिए रिमोटली है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो कहीं भी बैठ कर इस काम को कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस का काम है वो रिमोटली हो रहा है, लोग अपने अपने घरों में बैठ के या किसी और जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, किसी भी क्रिप्टो का जो काम है वो ऑफिशियल तरीके से नहीं हो रहा है, 9 to 6 वाली जॉब में नहीं हो रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लिखा है इन फरवरी सेट्टी हैड अनाउंस्ड ही वाज वर्किंग विद यूएस बेस्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर ओमर सैयद ऑन प्रोजेक्ट कॉल्ड शेरेडियम। तो सेट्टी ने अनाउंस किया था दोस्तों फरवरी में कि वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है शेरेडियम। और उसके बाद यहां पे लिखा है द सेम मंथ मेनन सेड ही वुड बी लॉन्चिंग टिगारो वेब 3 गेम इकोसिस्टम मार्केटप्लेस विद गेम डेवलपमेंट फर्म सुपर गेमिंग। तो वहीं पर
दोस्तों जो इनके को फाउंडर है मैनन, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो वेब थ्री की एक गेम के साथ काम कर रहे हैं, सुपर गेमिंग किसी कंपनी के साथ, किसी फर्म के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि वो दुबई में अगर गए हैं तो इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग गए हैं, लेकिन अभी वजीर एक्स के रिगार्डिंग कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई भी फिक्स न्यूज नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है कि वजीर एक्स है जो वो दुबई में शिफ्ट होगा। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वजीर एक्स दुबई में शिफ्ट हो भी जाता है तो आपके क्रिप्टो के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आपका पोर्टफोलियो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, सिर्फ प्रॉब्लम आएगी हमें विड्रॉल करने के रिगार्डिंग और डिपॉजिट करने के रिगार्डिंग। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।